इंदौर जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल संचालकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मेदांता हॉस्पिटल की शिकायतें सामने आई। शिकायतें मिलने और हॉस्पिटल द्वारा प्रशासन का सहयोग न करने पर कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह ने हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने के निर्देश अफसरों को दे दिए हैं। अरे सर, जांच आप क्यों नहीं देंगे, किसको देंगे? इनकी दुकान बंद कर देते हैं, ड्रग वाली, ड्रग की दुकान है वहाँ पर, मेडिकल जी बंद कर दो इसको, आज ही बंद कर दो। अगर आप जानकारी, अगर आप सी बच्चों को जानकारी नहीं दे रहे हैं, गलत बात है ना? पढ़ तो ये पर मैं कह रहा हूँ, मतलब शिकायतें बहुत आ रही है मेदांता की। पूरे कोविड में सबसे खराब बड़े अस्पताल से ट्रीटमेंट मेदांता का हुआ है। आज मैं बोल रहा हूँ इस बात को, बहुत खराब ट्रीटमेंट किया है आपने, बहुत पैसा लिया है और बहुत डेथ हुई है वहाँ पर आपके यहाँ। डेथ सब जगह हुई है पर असंतोष सबसे ज्यादा आपके वो, हम लोग भी कन्विंस हैं। आप मेदांता जैसी जगह के आईसीयू में अगर इंचार्ज ही नहीं रहेगा कोई, क्या ऐसी चलाओगे आप लोग? ऐसा थोड़ी से बात कर, बंद कर दूंगा सब चीजें आपकी। मैं ड्रग तो अभी बंद करता हूँ दुकान आपकी, आज ट्रक तो बंद कर दो बेटे बेटे, और जब तक इनको जानकारी नहीं मिलेगी तब तक बंद रहेगी ट्रक की दुकान इनकी। आप जानकारी लो इनसे, अरे पूरा अस्पताल बंद कर देंगे यार, बजा के क्या, ये पूरा शहर के खिलाफ है मेदांता के, और जाके देखो तो क्या फीडबैक है मेदांता का पूरे शहर में। जितने अस्पताल के डॉक्टर्स बैठे हैं सब सहमत होंगे मेरी बात से, बोलेंगे कोई नहीं। बाकी अस्पताल भी तो काम कर रहे हैं, जो इतना आपने काम किया, बॉम्बे हॉस्पिटल ने काम किया, मैं तो कह रहा हूँ अपोलो ने भी काम किया, ये भी कॉमर्शियल हॉस्पिटल है कॉर्पोरेट, पर आप जो हाई एंड रैंक के हॉस्पिटल्स हो, इससे थोड़ी आए हो यहाँ पर कि जनता को कुछ भी करते रहो आप लोग। अगर आप लोग आए हो तो जनता को फैसिलिटेट होना चाहिए, उनकी अच्छी केयर होनी चाहिए, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उससे कैसे पैसा देते हैं? ट्रीटमेंट केयर वो तो कुछ हो ही रहा है, पैसे का पैसा दिए जा रहे हो आप, उसी की जाँच करा रहा हूँ मैं एक केस में, वो छोड़ूंगा नहीं उस केस में, ख्याल रखना। ये डॉक्टर जितना भी धीरे करें, मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को। पेमेंट को लेकर कोविड के समय बहुत ज़्यादा आई थी, कई और भी अस्पतालों की आई थी, पर मेदांता एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, ब्रांडेड हॉस्पिटल है, वहाँ सर्विसेज को लेकर शिकायतें भी बहुत आई थी मौके, भुगतान ज़्यादा ले रहे हैं, पैसे बिल्स बहुत ज़्यादा बन ले रहे हैं, इसको भी लेकर के शिकायतें आई थी। और एक शिकायत की जांच चल भी रही जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई थी, उसको बहुत ज़्यादा बिलिंग की गई थी, फिर मैंने जब मुझे शिकायत मैंने मौके की जब बात की तो बिल कुछ कम किया था, फिर भी मेरा मानना ये है कि बिलिंग उसमें जिस तरह के शिकायतकर्ता बोल रहे थे तो उसमें ज़्यादा दिख रही थी उस समय, तो उसकी जाँच अलग CMHO कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मेदांता वालों को सचेत किया है कि वो अपने मैनेजमेंट को बतलाएं, हायर अप्स को बतलाना है, उनको बतलाएं। कोरोना के समय मेदांता के ICU में कोई ICU इंचार्ज डॉक्टर नहीं था, ये बड़ी गंभीर बात है। ये मुझे बाद में मालूम पड़ा हम लोगों को कि वहाँ का ICU बिना ICU इंचार्ज के चल रहा था। किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से इस प्रकार का व्यवहार जनता के प्रति धोखा है, मैं मानता हूँ इसको। तो मैंने स्पष्ट किया है उनको कि अगर आप यहाँ आए हैं, हम लोगों ने स्वागत किया है आपका, मेदांता अस्पताल चैन यहाँ पर है, आपको थोड़ा लोगों की फ़िक्र भी करनी पड़ेगी। लोगों की फ़िक्र करिए, केयर करिए, कोई दिक्कत नहीं आए उनको। अभी कल भी एक कंप्लेंट आई थी कि उनको सोनोग्राफी की रिपोर्ट जो है वो 36 घंटे हो गए थे, उनको डॉक्टर रिपोर्ट नहीं लगा रहा है इसलिए नहीं मिल पा रही है। अब किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में अगर 36 घंटे तक सोनोग्राफी हो गई है और डॉक्टर नहीं मिल रहा है उनको रिपोर्ट लगाने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये आपत्तिजनक ही है। क्या था वो शिकायत कि आप तत्काल इसमें इसको सॉर्ट आउट करिए, किया भी होगा उन्होंने, पर इस तरह की चीज़ें ये बतलाती हैं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के द्वारा जो जनता के वहाँ पर कंफर्ट लेवल को, ट्रीटमेंट को लेकर जो ध्यान देना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। ऐसा हमारे ZMO का बोलना था कि जानकारी मांगी थी उन्होंने, अस्पताल ने जानकारी दी नहीं है, तो मैंने उसको डाटा है उसको, आप तत्काल दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो आप क्या क्या कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है वो भी हमने समझाया है उनको।